नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ latest technology के साथ सभी brand की गाड़ियों की servicing होती है। टीना का घर बनाने का total समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. उत्तर 24 परगना जिले के बासीरहाट महकमा के अंतर्गत हांडोया ग्राम पंचायत स्थित एक ईंट भट्टा से श्रमिक का शव बरामद किया गया है। यह श्रमिक ईंट भट्टा स्थित एक घर में ही रहता था और आज सुबह स्थानीय लोगों ने इसको देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति का नाम 40 वर्षीय कन्हैया मांझी था और बिहार के गया जिले का वह रहने वाला था। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को बुधवार को सांस लेने में परेशानी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह अलीपुर रोड स्थित वुडलैंड्स हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया है। उनकी चिकित्सा के लिए 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। मेडिकल बोर्ड में SSKM अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सरोज मंडल शामिल है। अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर कौशिक चक्रवर्ती और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर एस पांडा की देखरेख में उनकी चिकित्सा चल रही है। उनका पल्स रेट, ब्लड प्रेशर सामान्य है। उन्हें अस्पताल में लाए जाने के बाद कोरोना वायरस की जांच भी की गई, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना महामारी शायद अपने आखिरी पड़ाव पर है। एक तरफ पूरी दुनिया तेजी से वैक्सीन की दिशा में आगे बढ़ रही है, कई देशों में तो इसके इस्तेमाल की भी मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं भारत में रोजाना सामने आने वाले कोरोना के पॉजिटिव केस की संख्या 30,000 के आसपास ही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 31,522 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना के कुल मामले 97,67,372 हो गए हैं। कुल 412 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। भारत में अब तक कोरोना के कारण 141,722 मरीजों की जान चली गई। एक्टिव केस के मामले में भारत 9वें स्थान पर है। फिलहाल देश में 3,72,293 सक्रिय मामले हैं। अभी तक 92,58,306 मरीजों को या तो अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है या फिर से स्वस्थ हो चुके हैं। कल भी 37,725 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। में विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर पहुंचती जा रही है। विशेषकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और उनकी मौतें भी हो रही है। इसी कड़ी में अब जलपाईगुड़ी के हल्दीबाड़ी बीजेपी युवा मोर्चा नेता अमरदीप राय को असामाजिक तत्वों ने गोली मार दी। उनको जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर उनकी चिकित्सा में लगे हुए हैं और इस बीच पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि बुधवार को ही कूचबिहार के बंद स्कूल परिसर से भाजपा कार्यकर्ता का लटकता हुआ शव बरामद हुआ। अंदरान फूलबड़ी गर्ल्स हाई स्कूल के भीतर झूलता हुआ शव बरामद किया गया। तूफानगंज थाना पुलिस ने शव बरामद किया। पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम स्वप्न दास था। আমরা এসেছি আমাদের এই যুব মোর্চার ভাইকে নিয়ে। এই যুব মোর্চার ভাই সেদিন বিরোধী আমাদের বিরোধী পার্টি বিজেপি করি বলে এই ভাই সেদিন আমাদের মিছিলে শামিল হয়েছিল। এই মিছিলে একে রাবার গুলি করা হয়। গুলি করার পরে সে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতবিক্ষত হয়। এর শরীরে কিছু গুলি এখনো রয়ে গেছে। তাই একে এই এত রাত্রে ট্রিটমেন্ট করানোর জন্য নিয়ে এসেছি। কেন দেরি করলো, আগে কোথায় ছিল? না, আগে ওকে ট্রিটমেন্টের জন্য নেওয়া হয়েছিল কিন্তু সবগুলো গুলি বের করা হয়নি। হ্যাঁ, যে সবগুলো কিছু বুকে দুটো আর হাতে দুটো গুলি রয়ে গেছে। এই জন্যে এক্স রে করার পরে দেখা গেছে যে আরও 4টে গুলি রয়ে গেছে। ওই জন্য ওকে এক্স রে করা ওইখানে ট্রিটমেন্টের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। আমি অ্যাকচুয়ালি আমার গতই 7ই ডিসেম্বর আমাদের যে বিজেপির যে যুব মোর্চার যে উত্তরকন্যা অভিযান ছিল সেখানে গিয়েছিলাম। তো যখন আমি প্রতিবাদ করতে যাই তো পুলিশের তরফ থেকে রাবার বুলেট চালানো হয়। তো তাতে আমি যখন আহত হয়ে যাই তখন মহারাজা অগ্রসেন হাসপাতালে আমি অ্যাডমিট হই। শিলিগুড়ি আর সেখানে ভর্তি হওয়ার পর তারা ট্রিটমেন্ট করে এক্স রে রিপোর্ট দিয়ে ছেড়ে দেয়। তখনও কিন্তু আমাকে কিছু বলা হয়নি। আজকে যখন আমি আমার হলদিবাড়ি রুরাল হসপিটালে যখন আমি চেক আপ করতে যাই তখন এক্স রে করার পর বুঝতে পারি যে আমার হাতে দুটো আর বুকে দুটো বুলেট রয়েছে।
बढ़ने के साथ ही द्वार सही जलपाईगुड़ी में घने कोहरे के कहर बढ़ता जा रहा है। आज सुबह से ही सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए और जलपाईगुड़ी शहर और ग्रामीण इलाकों में घना कुहासा छाया रहा, जिसके कारण गाड़ियों का आवागमन में काफी समस्या देखी गई। गाड़ी चालक गाड़ियों की लाइट जलाकर गाड़ी चलाते हुए दिखाई दिए। इसी बीच लोग ठंड से बचने के लिए आग तापते हुए भी नजर आए। हालांकि दिन बढ़ने के साथ ही कुहासा कुछ कम हो गया। अन्य दिनों की तुलना आज के प्रचंड शीत पड़े, এমনকি চারদিক কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছিল। আমরা তো প্রতিদিন মর্নিংওয়াকে যাই, ভোরবেলা উঠি, পাঁচটায় উঠি, দেখি চারিদিক অন্ধকার, প্রচণ্ড কুয়াশা, মানে বৃষ্টির মতো টপ টপ করে জল পড়ছিল। এটা কি প্রথম শীত? হ্যাঁ, এটা প্রথম শীত, মানে আজকেই প্রচণ্ড কুয়াশা দেখা যায়। ভালো লাগছে, শীতের ওয়েদার তো খুবই ভালোই লাগে, আর কুয়াশা খুব পছন্দ আমাদের। হ্যাঁ, খুব সুন্দর এই প্রথম শীত পড়লো এই বছরে। এতদিন তো খুব গরম গরম চলছিল, আজকে প্রথম কুয়াশা, প্রচুর কুয়াশা, ঠান্ডাও লাগছে। আজকে কি প্রথম দেখছেন? হ্যাঁ, আজকেই প্রথম। এমনি পরিবেশ তো ভালোই। হ্যাঁ, করোনাও মনে হয় অনেক হালকা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তবে সাবধান থাকতে হবে সকলকেই। শীতটা গতবারে যেটা পড়েছিল, গতবারে খুব বেশি ছিল শীত, এখনো পর্যন্ত সেরকম শীত পড়েনি, তবে শুরু আর কি, শীতের শুরু এবার। আজকে মজা নিচ্ছে। আজকে আমাদের রামগঞ্জ 2 নম্বর অঞ্চল, এই বরনগঞ্জ মোড়ে আমাদের একটা পার্টি অফিস, যেটা কাঁচা ছিল, সেই পার্টি অফিসটা আজকে আমরা পাকা করার জন্য তার ছিলাম আমরা, এইগুলো ভিত্তি স্থাপন করা হলো। এটা শুভ সূচনা করলেন আমাদের জেলা সভাপতি কানাইলাল আগরওয়াল সাহেব, ওনার হাত দিয়ে শুভ সূচনা হলো। খুব দ্রুত ইলেকশনের আগে আমাদের এই বিল্ডিং কমপ্লিট হয়ে যাবে, আমাদের নিচে পার্টির বসার অফিস হবে, উপরে হলঘর হবে, এরকম একটা আমাদের বড় একটা প্ল্যান আছে এখানে। এই অফিস হয়ে গেলে আমাদের এইখানে দলীয় কার্যালয় শক্তিশালী যখন হয়ে যাবে, তো আমাদের দল আরও শক্তিশালী হবে, আমাদের দলের সাংগঠনিক যে পরিকাঠামো আরও মজবুত হবে। এই চিন্তা ভাবনা করে আমরা দ্রুত এই অফিসের কাজ নির্মাণে হাত দিয়েছি। पिछले कई दिनों से जारी किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है। केंद्र द्वारा लगाए गए 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने बुधवार को सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। किसान नेताओं का कहना है कि अगर तीनों कानून रद्द नहीं किए जाते तो वे एक के बाद एक दिल्ली की सड़कों को बंद करेंगे। साथ ही इन कानूनों के विरोध में किसान 14 दिसंबर को राज्यों में जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे और उससे पहले 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर राजमार्ग भी बंद कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया है कि बुजुर्गों और बच्चों को घर वापस भेज दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी यूपी गेट पर कई लोगों ने उसके विरोध अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर भीड़ बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी आज नए संसद भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। इस समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, केंद्रीय मंत्री और कई देशों के राजदूत शिरकत करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली में 12:55 पर नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। 1 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। इसके बाद 1:30 सर्वधर्म प्रार्थना होगी। 2:15 पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन भी करेंगे। 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किए जाने का प्रस्ताव है। इसका निर्माण कार्य भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्येक संसद सदस्य को पूर्ण निर्मित श्रम शक्ति भवन में कार्यालय के लिए 40 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका निर्माण 2024 तक पूरा किया जाएगा। शुभेंद्र अधिकारी के बाद अब शहर सिलीगुड़ी में राजीव बनर्जी के समर्थन में पोस्टर लगने को लेकर खलबली मच गई है। गुरुवार सुबह राज्य के मिनी सचिवालय उत्तरकन्या के दीवार सहित फुलवाड़ी के विभिन्न इलाके में राजीव बनर्जी के समर्थन में जगह जगह पोस्टर नजर आए। इस पोस्टर पर राजीव बनर्जी की तस्वीर के साथ लिखा है आमरा दादर भक्त, जिसे लेकर सिलीगुड़ी के राजनीतिक माहौल में खलबली मच गई है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों में शुभेंद्र अधिकारी के समर्थन में कुछ ऐसे ही पोस्टर मिले थे। लगभग 15 दिन पहले सिलीगुड़ी के सेवक रोड से पुलिस ने शुभेंद्र अधिकारी के पोस्टर में लादी एक बैन भी जब्त कर ली है। अब राजीव बनर्जी के पोस्टर जगह जगह पाए जाने से राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई। राजीव बंदोपाध्याय पोस्टर पड़ लो, কারা ফেলেছে? এর আগেও জলপাইগুড়ি তথা পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আমরা দেখেছি তৃণমূলের এক হেভিওয়েট নেতার এরকম পোস্টার পড়েছিল,
এনারও পড়লো, তো বুঝে নিন আপনারাই কেন পড়ছে, সবই একই রাস্তায় হাঁটছে, উনিও একই রাস্তায় হাঁটছে। কী হবে? আমরা বাউটা বলে দিয়েছি আমরা যে কেউ যদি কাটমানি চুরি ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত না থাকে সবাইকে আমরা বুকে জড়িয়ে ধরব, আর যদি ওরকম কিছু যুক্ত থাকে কেউ যদি সেরকম ব্যাপার থাকে তাহলে দেখা যাবে যে ওই সব একই জায়গা মর্গে যাবে। আমরা তো বলেই দিলাম যদি কোনোরকমভাবে সেরকমভাবে যুক্ত না থাকে, কাটমানি চুরি ডাকাতি রেপ এগুলোর সঙ্গে যুক্ত না থাকে তাহলে বুকে জড়িয়ে নিব, আর নাহলে মর্গে আছে মর্গে যাবে, দেখা করে আসবে। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर दुकान मकान गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, थर्ड माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। मलाई कोल्ड कफ थियो मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे भयो, एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले त धेरै सन्चो छ, खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, एचडी लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. Yahan latest technology ke saath sabhi brand ki gaadiyon ki servicing hoti hai. 20 minute mein hi car wash, in-house automatic color banane ki machine ittiyadi. To der kis baat ki, aaj hi call kar appointment book kijiye 9609933000. SGMG Automobiles, BSF Road, Salugada, Siliguri. 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। Orchid Building, opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK Live ही best option है। SK Live का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कन्या अभियान के दौरान 50 वर्षीय भाजपा कार्यकर्ता की उलेन राय की पुलिस की गोली से मौत के मामले में दार्जिलिंग ने सांसद ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। उन्होंने उत्तर कन्या अभियान में राज्य की पुलिस पर तृणमूल कार्यकर्ताओं की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने अमानवीय अत्याचार किया है, इससे सैकड़ों कार्यकर्ता जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है, जबकि इस घटना के लिए पूरी तरह से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताते हुए दिग्गज नेताओं एवं MPO पर पुलिस की ओर से मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि 2013 में भी ममता सरकार ने गोरखा के साथ ऐसा ही किया था। उस समय गोरखाओं के आंदोलन को दबाने के लिए बर्बरता के साथ गोरखा युवकों की हत्या की गई थी और इन हत्याओं का आरोप गोरखा नेताओं पर मंडकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि ममता सरकार की यह गंदी राजनीतिक नीति है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार तानाशाह व दमनकारी नीति पर चलती है, वह इस राज्य में किसी अन्य पार्टी को पनपने नहीं देना चाहती। बंगाल में आमजन खतरे में है, गणतंत्र खतरे में है। उन्होंने केंद्र सरकार से उत्तर कन्या मामले की CBI जांच की मांग करते हुए राज्यपद में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठाई। पश्चिम बंगाल की TMC सरकार जिस तरह की गंदी राजनीति पर उतर आई है, ये मान लीजिए कि अब TMC का विनाश तय है। 7 दिसंबर को सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल के युवाओं द्वारा निकाली गई उत्तर कन्या चलो एक शांतिपूर्ण यात्रा, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री दिलीप घोष जी, BJYM के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी
और नॉर्थ बंगाल के सभी सांसद, युवा कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में जनता उपस्थित थे। इस रैली से साफ दिख रहा था कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन इससे बौखलाकर ममता दीदी के आदेश पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई है वो पूरी तरह से अमानवीय है। पूरे पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है जैसे पश्चिम बंगाल की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए नहीं बल्कि तृणमूल के कैडर की तरह टीएमसी की सरकार बचाने में लगी हुई है। आज हमारे कार्यकर्ता घायल है, सैकड़ों कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती है और 50 साल के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता उलेन रॉय जी की पुलिस की गोली लगने से मौत हुई है। आज पश्चिम बंगाल में ममता दीदी चाहती है कि टीएमसी के अलावा बंगाल में और कोई भी राजनीतिक पार्टी खड़ा ना हो सके और कोई भी उनका विरोध ना कर सके। 2017 में भी इसी तरह टीएमसी सरकार ने बीच सड़क पर दिन दहाड़े गोरखाओं को मारा था और उसका सारा इल्जाम वही गोरखा नेताओं पर मढ़ दिया गया था। कल भी यही हुआ और कई राष्ट्रीय नेताओं और हमारे सांसदों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये केवल गंदी राजनीति नहीं है, ये तानाशाह है, अमानवीय है, अनैतिक है, दमनकारी नीति है। आज पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है, आज बंगाल में आम जन खतरे में है, आज पश्चिम बंगाल में भारत का संविधान खतरे में है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से यह मांग करता हूं कि इस पूरी मामले की सीबीआई जांच हो, जिन पुलिस वालों ने यह बर्बरता दिखाई है उन पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं ये भी मांग करता हूं कि बंगाल की सरकार जो शासन चलाने योग्य नहीं है। गंज के दो नंबर अंचल बनरगंज मोड़ स्थित तृणमूल कांग्रेस के नए कार्यालय का आज शिलान्यास हुआ। तृणमूल कांग्रेस जिला सभापति कन्हैया लाल अग्रवाल ने इस नए कार्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के कई दिग्गज नेताएं उपस्थित थे। इस्लामपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस सभापति जाकिर हुसैन ने कहा कि बनरगाच स्थित पार्टी कार्यालय काफी पुराना हो गया था और इसकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी, इसी के कारण इस बिल्डिंग को तोड़कर नए भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह भवन दो तल्ला होगा और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। दूसरे तल्ले पर हॉल घर होगा, पार्टी की मीटिंग के सभी आधुनिक व्यवस्थाएं होंगी। গত 7ই ডিসেম্বর আমি যুব মোর্চার থেকে উত্তরকন্যা অভিযানে এসেছিলাম, ঠিক আছে। তো সেখানে পুলিশ তারা ছোড়া একটি কিছু এসে আমার বুকে এবং হাতে ঢুকে যায়। তো তারপর এখানে মহারাজা অগ্রসেনে এসে বেসিক ট্রিটমেন্টটা যেটা করেছিলাম তো তখন কিছু ধরা পড়েনি, কিন্তু কালকে যখন আমি ড্রেসিংয়ে গিয়েছিলাম আমার ওলদুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে তখন সেখান থেকে বলেছিল যে তোমার হাতে এবং বুকের ভিতরে দানা দানা কিছু রয়েছে, তুমি এক্সরে করে ভালো করে চেক করো। তারপর যখন এক্স রে করালাম ডিজিটাল এক্স রে, তারপর ধরা পড়ে যে ভিতরে বুলেট টাইপের কিছু রয়েছে, যেটাকে ছোড়া গুলি বলে। আর কালকে আমি জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে ভর্তি হলাম সন্ধ্যাবেলা, আর সেখান থেকে আমাকে রেফার করে শিলিগুড়িতে। এখানে গত 7 তারিখ আমাদের যে উত্তরকন্যা অভিযান ছিল সেখানে সেই অভিযানে আমাদের উপরে যে রাজ্য প্রশাসন এবং পুলিশ দ্বারা যে বুলেট ছোড়া হয়েছিল তারই হচ্ছে আমাদের এক যুবকর্মী আহত হয়েছে। গত পরশু 7 তারিখের ঘটনা, গতকাল সে ব্যথা অনুভব করে, ব্যথা অনুভব করার পরে সেখানকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায়, এক্স রে করানোর পরে দেখতে পায় যে বুকের ভেতরে এবং হাতের ভেতরে এখনও বুলেটগুলো আছে। তখন তাকে সেখানকার ডাক্তার পরামর্শ দেয় যে এগুলো তো এখানে বের করা যাবে না, আপনি জলপাইগুড়িতে নিয়ে যান। তো জলপাইগুড়িতে যখন আসে সেখানকার ডাক্তার তারা বলে এটাকে ছাড়রা গুলি বলে, তারাই এটি বুঝিয়ে দেয় যেটা হচ্ছে ছাড়রা গুলি, এরা অনেকগুলো বের হয়। তো এটা এখানকার আমরা করতে চাচ্ছি না যেহেতু একটা গুলি অনেকটা ভেতরে ঢুকে আছে, তো এটা আপনারা বেটার কোথাও নিয়ে যান। তাই আমরা আজকে শিলিগুড়িতে নিয়ে এসেছি, শিলিগুড়িতে এখানে এসে আমরা এখন ডাক্তারের সাথে কথা বলছি, ডাক্তারের সাথে কথা বলে যেটা ভালো হয় সেটাই করছি। তো আমাদের একটাই কথা যে আমাদের সামান্য উত্তরকন্যা অভিযানকে ঘিরে এই যে আমাদের জলপাইগুড়ি যুবকর্মীদের উপরে যে অমানবিক অত্যাচার, যে পরিমাণ আমাদের উপরে পুলিশি অত্যাচার, লাঠিচার্জ, গুলি, বোমা এগুলো যে করা হয়েছে এগুলোর কী মানে? আমরা কি মানে জলপাই রাজ্যের বাইরের লোক? আমরা কি রাজ্যে ঢুকতে যাচ্ছি বাইরের কোনো দেশ থেকে? এরকম কোনো ব্যাপার? গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা একটা মিছিল করছিলাম, সেই মিছিলকে ঘিরে রাজ্য প্রশাসন পুলিশ আমাদের উপরে যে অমানবিক অত্যাচারটা করলো
সেটার দায়ভার কে নিবে। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को क्रिकेट रिफॉर्म से संबंधित सभी मामलों को लेकर राज्य क्रिकेट संघ द्वारा दायर इंटरकॉलेटरी याचिकाओं की पर्याप्त संख्या का निपटारा किया, लेकिन बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिव जय शाह और सह सचिव जयेश जॉर्ज के पद पर बने रहने से संबंधित याचिका पर सुनवाई अगले साल जनवरी तक के लिए टाल दी गई। इनका कार्यालय कुछ महीनों पहले खत्म हो चुका। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन की मांग की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति द्वारा बनाया गया है। कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई की तारीख जनवरी में तीसरा सप्ताह तय किया है। बीसीसीआई ने अपने संविधान में संशोधन की मांग की, जिस पर बुधवार को सुनवाई नहीं की गई। आमतौर पर आज के समय में किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम इंटरनेट पर निर्भर रहते हैं। वहीं कई बार दूर दराज के इलाकों में हमें इंटरनेट स्पीड के साथ ही इंटरनेट सुविधा मिलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसका हल निकालते हुए सरकार ने बुधवार को लाखों लोगों को वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की अनुमति दी है। अब आप देश के किसी भी हिस्से में वाईफाई स्पीड वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग को देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए नेशनल वाईफाई ग्रिड की मंजूरी दी है। इसके माध्यम से सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी। वहीं सेवा को पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6.92 करोड़ के पार हो गया। 4,79,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 15,74,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www वर्डोमीटर्स इन्फो कोरोना वायरस के मुताबिक है। ब्राजील में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात ये है कि यहाँ अगस्त के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 53,453 मामले सामने आए। एक अच्छी खबर इसराइल से, यहाँ 27 दिसंबर से वैक्सीनेशन शुरू होगा। WHO ने तमाम देशों में संक्रमण को रोकने के लिए सख्त उपाय करने को कहा है। ब्राजील में सरकार गाइडलाइंस का पालन करने में नाकाम रही। हालत यह है कि बुधवार को वहां 53,453 मामले दर्ज किए गए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये तो वे आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।